Now, in the 1984 reference was, of course, entailed the remark made by Rajiv Gandhi, which resulted in the anti-Sikh riots, or which came amid the anti-Sikh riots. This is after Indira Gandhi's assassination. Let's listen in to that infamous remark as well by Rajiv Gandhi. जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन को दुनिया कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। Now, other leaders of the BJP were also indignant at Rahul Gandhi's remarks. RP Singh dared him to make the same statement in India and said he would drag the leader of the opposition to court. Union Minister Shivraj Singh Chauhan, meanwhile, said that Rahul had engaged in treason by maligning India abroad. प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है, परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का, परंतु मेरा एक राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है, और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। और संविधान पर हमले किसने किए, इमरजेंसी कौन ने लगाई, संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति जीवन मूल और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टिकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है।